हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी नेटवर्क की इस प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा इलाज बताऊंगा कि आप चाहे घर के किसी भी कोने में घुस के या चाहे कुएं के अंदर घुस के नेट चलाएं ना, तो भी आपका 4G ही रहेगा। 4G से 2G, 3G या H+ नहीं होएगा। देखिए, मैं आपको YouTube चला के दिखाता हूँ। अभी मेरा YouTube बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम एक ऐप को डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाके फोरस LTE के नाम से एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड होने लग रहा है दोस्तों। इस सेटिंग को करने के बाद आपका 4G नहीं हिलेगा, चाहे कितना भी नेटवर्क स्लो क्यों ना हो, आपका नेट धड़ाधड़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो देखिए, अभी मेरा YouTube नहीं चल रहा है और अब मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, एक्सेप्ट, गेट स्टार्टेड और एंड्रॉयड 11 पे करूँगा मैं। यहाँ पे LTE ओनली सेलेक्ट करूँगा और आप जादू देखना कि आपका नेटवर्क 4G हो जाएगा। अब जब तक इस एप्लीकेशन को आप डिसेबल नहीं करोगे, तब तक ये 4G ही रहेगा। 3G, 2G या H+ में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा। देखो, YouTube भी चल रहा है और मैं आपको क्रोम ब्राउज़र भी चला के दिखाता हूँ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट खोल के दिखाता हूँ, ये भी चल रही है। तो किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होता है, मतलब इसका भी कोई डिसएडवांटेज भी ज़रूर है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब तक आप इसको ऑन रखोगे, हो सकता है किसी किसी फ़ोन में कि आपकी कॉल नहीं आए, मतलब आपको कोई कॉल लगाएगा, कॉल नहीं लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो हम मेथड 2 में जाएंगे, यहाँ पे हम LTE ओनली पे क्लिक करेंगे और जो इससे LTE से एक छोड़ के ऊपर वाला ऑप्शन है GSM WCDMA LTE, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।